हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मेंस के क्वेश्चंस की सीरीज चालू थी और हमने कल कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर पढ़ा था। आज हम दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इससे रिलेटेड जो भी हमारे पास सेक्शंस हैं उसको भी कवर करेंगे। तो क्वेश्चन आया है हमारे पास, ए प्रॉमिस टू पे अ मंथली अलाउंस टू वुमेन केप्ट एज अ मिस्ट्रेस। ए कहता है कि बी तुम मेरी रखेल बन जाओ और मैं तुमको हर महीने के महीने खर्चा देता रहूंगा। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट, क्या ये कंसिडरेशन लॉफुल है या नहीं? देखो सुनने में कितना इमोरल सा लग रहा है ना, कितना असभ्य सा लग रहा है कि ऐसी कोई बात कर रहा है बंदा। तो क्या लगता है कि होगा या नहीं होगा, देख लेते हैं एक बार। देखो, एज पर सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द कंसिडरेशन इन क्वेश्चन इज नॉट लॉफुल बिकॉज इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, इट इज इमोरल, इट इज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। इसीलिए ये जो हमारा कंसिडरेशन है ये लॉफुल नहीं है, तो इसलिए वैलिड भी नहीं है। तो इसके ऊपर डील कर लेते हैं। सेक्शन 23 की बात हो रही है, 23 देख लेते हैं। तो व्हाट कंसिडरेशंस एंड ऑब्जेक्ट्स आर लॉफुल एंड व्हाट नॉट, द कंसिडरेशन गिवन इन अ कॉन्ट्रैक्ट और द ऑब्जेक्ट जिसके लिए, जिस ऑब्जेक्ट पे हम अपना कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब ये ऑब्जेक्ट जो था वो मिस्ट्रेस रखना ही गलत है। मिस्ट्रेस के लिए पैसे देना भी गलत है। मिस्ट्रेस के लिए पैसे देना वो है कंसिडरेशन, मिस्ट्रेस रखना ही जो ऑब्जेक्ट है वो ही गलत है हमारा। ठीक है, देखो द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज लॉफुल। हम मान के चलते हैं कि कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट जो है एग्रीमेंट का वो लॉफुल है, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट में आप अपनी प्रॉमिस को पूरा करने के लिए जो कंसिडरेशन दे रहे हो वो, या जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है वो, ठीक है। कॉन्सिडरेशन और ऑब्जेक्ट में फर्क होता है, याद रखना। तो वो लॉफुल होगा अनलेस, ये प्रिजम्पशन हो गई, अनलेस अगर इन कैटेगरी में फॉल कर जाए तो फिर वो लॉफुल नहीं होगा। इट इज फॉरबिडन बाय लॉ और इज ऑफ सच अ नेचर दैट इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ, और इट इज फ्रॉडुलेंट और इन्वॉल्व और इंप्लाइज एनी इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ एनदर, और द कोर्ट रिगार्ड इज एज इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। या तो वो फॉरबिडन है लॉ के द्वारा, या अगर हम उसको परमिट कर भी दें तो कोई प्रोविजन जो है लॉ की उसके अगेंस्ट चला जाएगा और हम ये चाहते नहीं है, या फ्रॉडुलेंट है, पार्टी को फ्रॉड करके आप कर रहे हो, ठीक है। या फिर उससे क्या होगा, उसकी इन्फोर्समेंट से किसी को इंजरी हो सकती है, इंजरी टू पर्सन, इंजरी टू प्रॉपर्टी, कुछ भी हो सकता है। या फिर कोर्ट रिगार्ड करता है कि नहीं, ऐसे इमोरल काम जो है या ऐसे जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट कोई भी चीज़ है वो हम अलाउ नहीं करेंगे। तो ऐसे केस के अंदर ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन जो है वो अनलॉफुल होगा और वॉइड माना जाएगा, ठीक है। इलस्ट्रेशन देख लेते हैं सारी की सारी, बहुत सारी इलस्ट्रेशन है इसके अंदर। देखो, ए एग्री टू सेल हिज हाउस टू बी फॉर ₹10,000। ए ने एग्री करा बी को कि बी मैं अपना घर बेच रहा हूँ ₹10,000 में, ठीक है। बी कहता है कि ठीक है मैं तुमको ₹10,000 दे दूंगा। अब कंसिडरेशन क्या है, ₹10,000। हाँ, तो इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। ए ने बोला मैं घर बेच रहा हूँ, बी ने कहा ठीक है मैं पैसे दे रहा हूँ, ₹10,000 हो या ₹100 हो या ₹1,00,000 हो, क्या फर्क पड़ता है। ए प्रॉमिस टू सेल द हाउस एंड ए प्रॉमिस टू सेल द हाउस इज द कंसिडरेशन फॉर बीज प्रॉमिस टू पे द ₹10,000। ए ने प्रॉमिस करा घर बेचने के लिए और ए का जो प्रॉमिस है घर बेचना, वो घर बेचेगा इन द कंसिडरेशन की बी जो है प्रॉमिस कर रहा है ₹10,000 में, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों लॉफुल कंसिडरेशन है। ए के लिए कंसिडरेशन क्या है कि बी का जो ₹10,000 आ रहे हैं वो, बी के लिए कंसिडरेशन क्या है कि ए जो अपना प्रॉमिस निभा रहा है वो हमारा प्रॉमिस क्या निभा रहा है अपना, कि वो घर बेचेगा। तो दोनों कंसिडरेशन लॉफुल है, ठीक है। ए प्रॉमिस टू पे बी ₹10,000 एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स, 6 महीने के बाद ₹10,000 बी को मिलेंगे ए से। इफ सी हु ओज दैट सम टू बी फेल्स टू पे इट। अगर भाई देख, देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर बी और सी का कुछ लेन देन हुई होगी, तो ए कहता है कि अगर अगर यार सी ने तेरे को 6 महीने के अंदर अंदर पैसे नहीं दिए ना तो मैं तेरे को ₹10,000 दूंगा, ठीक है। बी कहता है कि ठीक है मैं 6 महीने देता हूँ सी को। बी ने प्रॉमिस करा कि वो टाइम देगा 6 महीने का। हेयर द प्रॉमिस ऑफ ईच पार्टी इज द कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस ऑफ अदर पार्टी एंड देयर लॉफुल कंसिडरेशन। ए ने प्रॉमिस करा कि वो ₹1,000 देगा और बी ने प्रॉमिस करा कि ठीक है वो टाइम देगा। दोनों प्रॉमिसेस आर फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया। तो दोनों की दोनों प्रॉमिसेस जो है, दोनों की दोनों कंसिडरेशन जो है वो लॉफुल है, इसलिए वैलिड है। आगे के इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए प्रॉमिसेस फॉर अ सर्टन सम पेड टू हिम बाय बी। ए कहता है कि अगर बी मुझे तुम इतना पैसा दोगे, सर्टन सम का पैसा दोगे, तो मैं तुम्हारी जो शिप है ना, जो तुम्हारी शिप है उसको सही कर दूंगा, उसको सही करूंगा अगर वो शिप तुम्हारी एक सफर पे जब खराब हो जाए तो, रेक्ड हो जाए तो, ठीक है।
ए प्रोमिसेस फॉर अ सर्टन सम पेड टू हिम बाय बी. ए प्रोमिस क्या कर रहा है, टू मेक गुड टू द बी द वैल्यू ऑफ हिज शिप इफ इट इज रेक्ड ऑन अ सर्टन वोयाज. हेयर ए का प्रोमिस जो है कंसिडरेशन है बी के प्रॉमिस के लिए. बी का प्रॉमिस क्या है कि बी प्रॉमिस कर रहा है मैं पेमेंट करूंगा, ए प्रॉमिस कर रहा है कि मैं उसकी शिप सही करूंगा. दोनों के प्रॉमिसेस एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन बन रहे हैं और लॉफुल कंसिडरेशन बन रहे हैं, हेंस ये एग्रीमेंट जो है वैलिड है और ये गुड है. ठीक है, लॉफुल कंसिडरेशन है क्योंकि. आगे देखो, ए प्रॉमिसेस टू मेंटेन बीज चाइल्ड एंड बी प्रॉमिसेस टू पे 8,000 रुपीज ईयरली फॉर दिस पर्पज. ए कहता है कि मैं बी तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखूंगा, बी कहता है कि ठीक है मैं तुमको हर महीने 1,000 रुपये दूंगा, हर साल के 1,000 रुपये दूंगा. ठीक, अब प्रोमिसेस दोनों के वैलिड हैं, कंसिडरेशन एक दूसरे की वैलिड है, लॉफुल है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है. अच्छा, ए बी सी एंटर करते हैं एक एग्रीमेंट के अंदर फॉर द डिवीजन अमंग देम ऑफ गेन्स एक्वायर्ड और टू बी एक्वायर्ड बाय देम बाय फ्रॉड. ए बी सी कहते हैं कि यार हम ना हेरा फेरी करते हैं, फ्रॉड करते हैं किसी बंदे के साथ, और जो भी पैसा आएगा ना आपस में बांट लेंगे, क्या ख्याल है भिड़ू. तो एग्रीमेंट जो है यहाँ पर ये वॉइड एग्रीमेंट है क्योंकि ये अनलॉफुल एग्रीमेंट है, क्योंकि ये फ्रॉड से आ रही है, इट इमेनेट्स फ्रॉम द फ्रॉड. ओके, आगे देखते हैं. ए प्रोमिसेस टू ऑब्टेन फॉर बी एन एम्प्लॉयमेंट इन द पब्लिक सर्विस एंड बी प्रोमिसेस टू बी ए ₹1,000 टू ए. अब ये देखो यार यहाँ पर क्या है कि ए कहता है कि बी मैं तेरी ना सरकारी नौकरी लगा दूंगा, मेरे बहुत जैक जुगाड़ है, तू मुझे 1,000 रुपये दे दे. बी कहता भाई साहब यार 1,000 रुपये ले लो यार, लगा दो मेरी नौकरी, कहाँ मुझे पेपर लेके पास होना पड़ता, आप नौकरी लगा दो, बढ़िया है ना, 1,000 रुपये आपके जेब में हो जाएंगे. तो ब्राइब चल रही है यहाँ पे. तो ये कंसिडरेशन क्या हुई यहाँ पे, कंसिडरेशन अनलॉफुल है, इसीलिए एग्रीमेंट जो है ये एग्रीमेंट हमारी वॉइड मानी जाएगी. ओके, अब ए बींग एन एजेंट फॉर अ लैंडेड प्रोपराइटर एग्रीज फॉर मनी विदाउट द नॉलेज ऑफ हिज प्रिंसिपल टू ऑब्टेन फॉर बी अ लीज ऑफ लैंड बिलोंगिंग टू हिज प्रिंसिपल. अब देखो, एक एजेंट है किसी प्रिंसिपल का, वो प्रिंसिपल लैंड का कोई प्रोपराइटर है, उसके पास लैंड है, वो लीज पे देते हैं. अब ए ने क्या करा, ए ने बी को एक लीज पर लैंड दे दी बिना प्रिंसिपल की नॉलेज में आए, चोरी छुपे दी है. ठीक है, अब ये लैंड जो प्रिंसिपल की बिलोंग होती है, अब इसीलिए एग्रीमेंट जो है वो ए एंड बी के बीच में वॉइड है, क्योंकि यहाँ पर जो है आप ए क्या कर रहा है अपने प्रिंसिपल से वो बात कंसील कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है उसके साथ. अगर ए ऑथराइज होता, बींग एन एजेंट अगर ऑथराइज होता लैंड पर देने के लिए, लीज पर देने के लिए लैंड को, तो बात अलग थी. लेकिन अब ए ऑथराइज ही नहीं है, ए छुपके से दे रहा है, कंसील करके दे रहा है, फ्रॉड कर रहा है अपने प्रिंसिपल के साथ, इसीलिए यहां पर जो एग्रीमेंट है वो वॉइड मानी जाएगी. आगे देखते हैं. ए प्रोमिसेस बी टू ड्रॉप अ प्रोसिक्यूशन विच ही हैज इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट बी फॉर रॉबरी. ए ने बोला कि मैं तेरे पास जो केस है ना वो ड्रॉप कर दूंगा, तूने मेरे घर पर रॉबरी करी थी. बी कहता है कि ठीक है यार मैं जो चीजें उठाई थी ना यार मैं तुझे वापस कर दूंगा, यार यार तू बस केस ना करियो यार, तू पैसे ले ले वापस, अपना सामान ले ले. ए कहता है ठीक है मैं केस वापस ले लूंगा. अब ये एग्रीमेंट जो है जुर्म को छुपा रही है, क्राइम को छुपा रही है, ये एग्रीमेंट वॉइड है और ऑब्जेक्ट जो है उसका अनलॉफुल है. यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है आपका क्राइम को छुपाना वो अनलॉफुल है. ठीक है, आप एग्रीमेंट कर रहे हो जिस पर्पस के लिए एग्रीमेंट कर रहे हो वो है कि क्राइम को कंसील करा जाए, बात खत्म करी जाए. और अगर ये कंपाउंडेबल ऑफेंस तो है ही नहीं, रॉबरी कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं है, तो आप कंपाउंड कैसे कर सकते हो, आपकी ड्यूटी है ना क्राइम को बताना. ओके, बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ये लॉ की नजरों में ऑब्जेक्ट इसका अनलॉफुल है. ओके, एज एस्टेट इज सोल्ड फॉर एरियर्स ऑफ रिवेन्यू अंडर द प्रोविजंस ऑफ एन एक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर. ए का जो एस्टेट है वो बेच दिया जा रहा है क्योंकि उसके लैंड से रिवेन्यू जाएगा, और लॉ कहता है कि ये लैंड पेइंग रिवेन्यू वाली जगह है. बाय विच द डिफॉल्टर इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम परचेजिंग हिज द एस्टेट. और जो डिफॉल्टर है जिसने रेवेन्यू पे नहीं करा उसको प्रोहिबिट करा गया है कि वो अपनी एस्टेट परचेज नहीं कर सकता. बी अपॉन एन अंडरस्टैंडिंग विद ए, बी की अंडरस्टैंडिंग है आपस में ए के साथ, बिकम्स द परचेजर. कहता है मैं परचेजर बन जाता हूँ, ऐसे तो प्रॉपर्टी तो तेरे पास ही आनी है, बाद में दे दूंगा तेरे को. एंड ही एग्रीज टू कन्वे द एस्टेट टू ए अपॉन रिसीविंग फ्रॉम हिम द प्राइस विच बी हैज पेड. तो एक काम करना, तू जो पैसा तू दे प्रॉपर्टी पे तू लगाता वो पैसा मुझे दे दे, मैं लगा लूंगा प्रॉपर्टी पे, बात तो एक ही है, तू लगाए या मैं लगाए, मैं प्रॉपर्टी लेके तेरे को दे दूंगा. अब ये एग्रीमेंट अनलॉफुल है क्योंकि इसका पर्पस अनलॉफुल है. द एग्रीमेंट इज वॉइड एज इट रेंडर द ट्रांजेक्शन इन अफेक्ट अ परचेज बाय द डिफॉल्टर. हम मान के चले भैया तुम एंड एंड में तो ए को ही दोगे ना, ए तो डिफॉल्टर है, हमने उसको प्रॉपर्टी देनी नहीं थी, तो आपने लॉ का ऑब्जेक्ट डिफीट कर दिया, लॉ का पर्पस डिफीट कर दिया, इसीलिए एग्रीमेंट जो है वॉइड मानी जाएगी. क्लियर?
क्लियर हो गया, चलो आगे देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या है अगला पॉइंट, ए हु इज बी इज मुख्तार, बी कोई बड़ा अफसर है, ए उसका मान लो पीए वगैरह टाइप का होता है ना, मुंशी टाइप का बंदा है, ठीक है। वो अब सी नाम का बंदा क्या कहता है, यार भैया मेरी ना बी से सेटिंग करवा दो यार, मेरी ना फाइल वाइल लटकी पड़ी है, आप लगाओ जुगाड़। ए कहता है कि लाओ यार 1000 रुपये लाओ, आपकी बात करवाते हैं, हमारी चलती है, आप चिंता क्यों कर रहे हो, आप अपनी फाइल वाइल हम रखवा देंगे, आपका काम करवा देंगे, आपका इन्फ्लुएंस दिखा देंगे, ठीक है। तो ये जो एग्रीमेंट है ये वॉइड है क्योंकि इमोरल है, ऐसे काम नहीं करने चाहिए, ए को अपनी ड्यूटी अच्छे तरीके से निभानी चाहिए, ठीक है। ऑन द बुक्स ये इमोरल है, लेकिन चलता है, तो जो चलता है वो चलता रहे, लेकिन है तो ये मॉरल। ओके अब बात करते हैं, ए एग्री टू लेट हर डॉटर टू हायर टू बी फॉर कॉन्क्यूबिनेज। ए और बी की बात हो रही है, ए कह रहा है कि तुम मेरी बेटी को अपना अपनी वो बना लो, रखेल बना लो और हमें पैसा देते रहो। एग्रीमेंट वॉइड है क्योंकि ए मॉरल है, दो द लेटिंग मे नॉट बी पनिशेबल अंडर इंडियन पिनल कोड। हो सकता है कि ये डॉटर आईपीसी में पनिशेबल ना हो, पर लेकिन एक्सप्लॉयटेशन तो है ही है, ठीक है वो बात अलग है, लेकिन इन है ये इमोरल ना, तो जस्ट बिकॉज ये इमोरल है तो एग्रीमेंट वॉइड है, ठीक है। तो यहाँ हमारा ये क्वेश्चन जो है खत्म होता है, इसके बाद अगला क्वेश्चन के लिए हम अगली वीडियो में आएंगे। तो टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।